राहुल गांधी सनातन का विरोध करते हैं, एक बड़ी बात है, एक बड़ा बयान है कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते अगर राहुल गांधी प्रचार करने नहीं जाते तो। सुनिए, करते हैं कभी राम मंदिर। देखिए, हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। ये जो राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है और अयोध्या हार गई, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्र में चिकन मटन खाना, ये लेड हुआ। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार। तो एक बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णन का, और साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत है, सनातन की जीत, सनातन की जीत बताया बीजेपी की जीत को, और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी चुनाव में प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए होते। पहले आप चूंकि कांग्रेस में ही थे, आपको बता दें आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस की तरफ से कई बार इन्हें पक्ष रखते हुए देखा गया, लेकिन सनातन विरोधी बयानों की जब बाढ़ आने लगी कांग्रेस के अंदर, कई बार इस तरह के बयान आते गए और आलाकमान की तरफ से या कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कोई एतराज़ नहीं जताया जाता, तो उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस छोड़ा, ये कहते हुए कि यहाँ पर सनातन का अपमान हो रहा है। यहाँ पर राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस की दूरी को लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए थे। कनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सहयोगी मेरी। कनिका, एक बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम का, चूँकि कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस की कार्यशैली को बहुत बखूबी से जानते हैं, राहुल गांधी का प्रचार में जाना कांग्रेस की हार की वजह, ये अपने आप में एक ऐसा बयान है कांग्रेसियों के लिए खास तौर पर, कि कांग्रेसी जिस राहुल गांधी को ये मानते हैं अपने लिए ताकत, शायद क्या कमजोरी बन चुके हैं राहुल गांधी, काम बना बनाया बिगाड़ देते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह के परिणाम हरियाणा में आया, कांग्रेस हार गई है, बीजेपी सत्ता के करीब है और सत्ता बनाने जा रही है, बल्कि तो उसके बाद जो है तमाम बीजेपी के नेता हो या जो कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनका कहना है और उनका कटाक्ष राहुल गांधी पे है। बिल्कुल, आपने आचार्य प्रमोद कृष्ण का जिक्र किया तो वो भी राहुल गांधी पे कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी रैली नहीं करते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पे सीएम बन जाते, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर भी जो है तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए, चुनावी परिणाम आने के बाद ये जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, बल्कि दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस के खुद के खेमे में जो तमाम नेता है वो भी कांग्रेस के लीडरशिप को और कांग्रेस के जो सारे नेता है उनको कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली टिकटों के वितरण की बात हो या पूरा चुनाव में जाट वर्सेस अदर्स का जो फैक्टर देखने को मिला वो एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस हरियाणा में हार गई है। और उसके बाद कांग्रेस के खुद के जो खेमे के नेता हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की जो फैसले हैं वो सही नहीं होते हैं, जिसका बड़ा कारण है कि हरियाणा में चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी, लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस को लग रहा था कि हरियाणा में सरकार बनेगी, हालांकि जो नंबर आए उसके बाद कांग्रेस के खुद के नेता जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं, बल्कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है कटाक्ष भी चल रहा है, और इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो नेता है वो भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। और बड़ा मैसेज और जो बड़ी चीज है वो ये है कि कांग्रेस में जिस तरह से अंतर कले, चाहे वो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, चाहे जो दलित वोट, कांग्रेस का जो कोर वोटर है हरियाणा में दलित और जाट, उसका जो वोट ना मिलना वो भी एक बड़ी बात है। और देखिए, दिलचस्प बात ये भी है कि हरियाणा में जिस जाट पॉलिटिक्स को कांग्रेस करती आई है उस जाट लैंड में भी कांग्रेस हार गई। सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर जाट बहुल्य वोट है और वहां पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो हार गए। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो आरोप है वो पार्टी की लीडरशिप पे और स्थानीय नेताओं पे लग रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कुमारी शैलजा नाराज बैठी हुई थी, प्रचार नहीं कर रही थी, भूपेंद्र हुड्डा ने कोशिश भी नहीं करी उनको मनाने की, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो जमीन पे देखने को मिला है। तो अब इस हार के बाद एक बात ये है कि कांग्रेस, चूंकि आप कांग्रेस को कवर भी करती हैं, कांग्रेस के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बार बातचीत होती होगी आपकी, अब कांग्रेस के अंदर क्या है, क्या जो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं
राहुल गांधी को लेकर अब एक के बाद एक हार मिलती है, या फिर जो प्रदेश का नेतृत्व होता है, प्रदेश के नेता हैं, वो अगर लड़ना भी चाहते हैं, वो अगर जीतना भी चाहते हैं और उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पकड़ होती है, राहुल गांधी आते हैं और वो पूरा चुनाव का रुख मोड़ देते हैं, क्या इस तरह की चर्चा कांग्रेस के अंदर भी होती है? दबी जुबान ही सही, अब ये तो जरूर है कि खुलकर कांग्रेस के नेता नहीं बोलेंगे गांधी परिवार के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी का प्रचार के जाना या रैली करना ये कोई बड़ा कारण नहीं है। राहुल गांधी एक बड़े नेता है, उन्होंने कई राज्यों में प्रचार भी किया। इससे पहले अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा मार्जिन मिला, एक अच्छी सीटें मिली, तो उसके बाद सबने राहुल गांधी को क्रेडिट दिया। और हालांकि राहुल गांधी को बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आगे रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम जो नेता है वो उनका यही मानना है कि राहुल गांधी केवल अकेले चुनाव नहीं जिता सकते ना हरा सकते हैं। जो स्थानीय नेता है, चाहे वो भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये बड़े चेहरे हैं हरियाणा में, और इनका एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी था। जो कांग्रेस के जो अंदर बड़े नेता है उनसे हमने ऑफ रिकॉर्ड कल से बात की है, तमाम लोगों का यही कहना है कि पूरे चुनाव में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो सबसे बड़ा फैक्टर है। हुड्डा कैंप के लोगों को टिकट दिया गया, बाकी लोगों को सारा नहीं गया, इसके अलावा नए चेहरे नहीं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन जिस तरह से तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन, अब जैसे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नाच गाने जैसा बता दिया, तो इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है कि राहुल गांधी, आप अब किसान जवान पहलवान की बात कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन अब जब सनातन को लेकर कुछ इस तरह के बयान निकल जाते हैं, अगर जुबान फिसल भी जाती है, अगर मान लें तब भी नुकसान तो होता है पार्टी को। देखिए बिल्कुल, राजनीति में हर एक बात का एक बड़ा मूल्य होता है, चाहे वो बात हंसी मजाक में कही जाए या पब्लिक मंच में की जाए, हर एक बात का, हर एक नेता के बयान का इम्पैक्ट जो है जमीन पे देखने को मिलता है। और वो हमने सबसे बड़ा कारण देखा है, उदाहरण देखा है हरियाणा में, जिस तरह से दलित कोर्ट को साधने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले कुमारी सैलजा नाराज रही, उसका इम्पैक्ट भी रहा। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में क्या वो मैसेज गया राहुल गांधी का, ये बहुत बड़ा कारण है। तमाम जो बयानबाजी होती है, तमाम जो मुद्दे उठाए जाते हैं, हर चीज का राजनीति में फर्क पड़ता है और जमीन में फर्क पड़ता है। और इसका बड़ा कारण यही है कि हरियाणा में कांग्रेस जिस मोड पे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को पोर्ट्रे कर रही थी, वो कॉन्फिडेंस टूट गया है। और कांग्रेस को अब सबक सीखने की जरूरत है कि कांग्रेस के जो पुराने नेता है, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो बाकी नेता हो, इनसे ऊपर उठ के अब कांग्रेस को अपनी नई लीडरशिप को मौका देना होगा, नए लोगों को मौका देना होगा और अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा। चाहे वो बीजेपी को घेरने के लिए बार बार तमाम मुद्दों को उठाना, उसके बावजूद देखिए 10 साल की एंटी इनकमबेंसी होने के बाद भी बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर तो बिल्कुल है जो हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है। कनिका आप रही हमारे साथ, कांग्रेस की बात अगर चल रही है तो कांग्रेस की बात में जरूर हार अगर होती है तो कांग्रेस समीक्षा करने के